الحمد لله الذي لم يزل عالما قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند روشی پڑھیا الصلاة والسلام عليك يا सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में बटता है बाड़ा नूर का सदे कलेने नूर का आया है तारा नूर का मैं सरकार फरमांदे ने सुनिया मैं तेरे दर दा नौकर मैं तेरे दर दा मंगता तू ए बादशाह मैं तेरी बारगाह च मेरी खाली झोली भर दे मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला نبی مکرم شافع معظم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود شریف دا نعت شریف دا ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں آپ احباب دا آنا
और साढ़ा सारे इतने मिल बैठना अल्लाह पाक अपनी बारगाह अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। अजीज दोस्तों अल्लाह करीम ने सानू बड़िया ही नेमतों नवाजे सानू बहुत सारिया नेमतों तो नवाजिया है। अगर इंसानी जिसम तो गल नहीं जाए तो सिर के वालों तो लैके पाँव के नखना तक जो कुछ भी अता फरमाया अल्लाह ताला की सब नेमत ने। एक ऐसी नेमत साढ़े जिसम के ताल्लुक रखती है जिड़ी खत्म हो जाए तो इंसान खत्म। उस नेमत का नाम है सांस। सह चलते रहन ते बंदा जिंदा है। सह खत्म हो जाए तो बंदा इस दुनिया तो कुछ कर जाता है इंतकाल कर जाता है। सब तो वड्डी इंसानी जिसम के लिहाज न अल्लाह करीम ने जो सानू नेमत अता फरमाई है वो है सह। पर ये सह जिहड़े जिंदे सदके लंबे ने वो सारे तो वड्डी नेमत आका अलैहि सलातो वसलाम। आका अलैहि सलातो वसलाम ने जिन्हां दे सदके असी इस दुनिया ते आए बैठे हां जिन्हां दा असी जिक्र खैर कर रहे हैं ओ ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी रवायत आप फरमांदे ने कि असी बैठे सां सारे दे सारे बैठे सरकार अलैहि सलातो वसलाम तशरीफ लैके आए आके फरमाया कि साहबा की पे करदे आके जिस टाइम फरमाया साहबा इस कीती सोने कमली वाले तेरे आने का शुक्र अदा पे करने और अल्लाह का शुक्र पे करने के सानू उन्हें अपना दीन दीने इस्लाम अता फरमाया। साहबा कराम जिस टाइम ये सरकार की बारगाह के अंदर अर्ज की सरकार फरमाते ने चाओ कसम इस गल साहबा कराम ने जिस टाइम कसम चुकी ना सरकार फरमाते ने साहबा मैं कसम इस वास्ते नहीं उठवाई कि मैं थोड़े ते बेतबार करना थोड़े ते यकीन नहीं। सरकार फरमाते ने थोड़े को कसम इस वास्ते चुकवाई है कि मेरे को जबरील आए ने जबरील आके अर्ज करते ने सुने जो साहबा पे कम करते ने इस काम उत्ते रब भी नाज पिया करता है। जिहड़ा तुसी काम करदे पे हो इस काम उत्ते रब नाज करदा है। अजीज दोस्तों सरकार अलैहि सलातो सलाम अल्लाह करीम दी नेमतां दे विच्चों सारयां तों वड्डी नेमत ने। हर बंदे ने सरकार अलैहि सलातो सलाम दी आमद दी अपने तरीके दे मुताबिक अपने ज़ौक दे मुताबिक अपने शौक दे मुताबिक खुशी मनाई है। साडे संगी कुछ असीं महफिल सजा के बैठे हैं कईआं ने घर सजाए ने कईआं ने नातां पढ़ियां कईआं ने तलावतां कीतीआं हर बंदे ने अपने ज़ौक ते शौक दे मुताबिक सरकार दा मिलाद मनाया है। सरकार दा मिलाद फरमाया बगदाद शरीफ दी गली टोर चलने आ बगदाद शरीफ दा शहर है। एक माई आई गुजर रही रोड तो एक महल नूं बहुत ज्यादा सोहना तैयार किया गया उत्थे पिंडाल तैयार किया गया सजाया जा रहा है। माई होरी वेख के ना बड़े खुश हुए किसी को पूछा कि इत्थे की होण लगा है उन्हां कहा जी सरकार दा मिलाद होवे की होवे सरकार दा मिलाद होवे। माई उन्हां पूछा तकरीर किने करनी उन्हां जी सुल्तान उल औलिया हजूर गौस पाक सरकार ने आके तकरीर करनी। वेखो कितना प्यारा इम्तियाज बन रहा है कि सुल्तान उल औलिया ने सुल्तान उल अंबिया दा मिलाद पढ़ने सरकार अलैहि सलातो सलाम दा मिलाद पढ़ने वास्ते कोई आम शख्सियत नहीं कोई खत्म पढ़ने वाला मौलवी नहीं आ रहा वो मौलवी आ रहा जो सारे वलियां दा सरदार है। मैं यूर आख्या ठीक है मेरे मुश के करीबी ने सरकार दा उन्हें जिक्र खैर करना है मैं इतने रुकांगी सरकार दा जिक्र भी सुनांगी तो नाले अपने पीरां दी ज़ियारत भी करांगी। दर मुर्शद दा खाना काबा दा हज जरूरी करिए। मैं यूर जिस टाइम यह गल की तो दस वाले आख्या जी माई जी इतने गरीबों को इजाजत कोई नहीं तुसी वापस लौट जाओ तुहानू इतने इजाजत नहीं है। मयूर काफी इसरार किया मेरे मुर्शद खाना भी है तो उन्हें भी आना मैं अपने मुर्शद का इकतदार भी छड़ दें फिर दूसरा सरकार का मिलाद भी छड़ दें इंज हो नहीं सकता। मां भी मयूर काफी इसरार के बावजूद वापस भेज दिता गया। मयूर रस्ते से जाद सरकार की बारगाह अंदर करते सुने तुम सिर्फ अमीर वास्ते आए सुने तुम सिर्फ अमीर वास्ते आए
क्या तुहाडा मिलाद मनाण दा हक सिर्फ और सिर्फ अमीरां नूं ऐसा गरीबां दा कोई नहीं हक। जिस टाइम इन्नी गल कीती आप घर पहुंचे अजीजाने दे वकार माए रस्ते अंदर जांदी पई है और शायराना अंदाज अंदर गल करा ते इस तरह करांगा तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा जाने दी घर माई रस्ते दे अंदर घर जांदी पई है जदो गई घर पहुंची घर जाके अपनी बेटी नूं आंदी है बेटी जा मैनू वज़ू वास्ते पानी लिया के दे। अजकल असी महफल च जाने ते बेवज़ू इक टुर पैंदे आ तो माई होरी घर जाके फिर अपने पुत्र धी नूं आंदे ने कि जा मेरे वास्ते पानी लै के आ मैं वज़ू करना है। दी हैरान हो जाती है अम्मा जी किवें दी गल्लां करदे हो तुसी तो हुण बाजार गए सो कुछ काम करने गए सी ते तुसी वापसी आ भी गए इन्नी छेती तुसा अपना काम को नहीं कीता। जिस टाइम इह गल कीती ना मई होरी आंदे ने कि मैं रस्ते दे अंदर जा रही सां सरकार दा मिलाद मनाउण वास्ते उत्थे पिंडाल तैयार कीता गया ते मैं काफी इसरार कीता मैनूं अंदर दाखल नहीं होण दित्ता गया ते मैं आउंदे राह च नीयत कीती कि मैं घर जाके सरकार दी आप मिलाद मनाउणा है घर जाके बहुत अपने दिन ना लैक बहुत सरकार दी ना तपड़न दी सरकार दा मिलाद मनावाने। जरूरी नहीं है कि लाइटां लाइयां जां सारा कुछ कीता जाए ए भी मिलाद ही है। ओए अल्लाह वालेओ मिलाद किस शय नूं आंदे मिलाद इस शय नूं आंदे कि सरकार अलैहि सलातो वसलाम दी हयात तैयबा तो वाकिफ होण दा नाम मिलाद है। सरकार अलैहि सलातो वसलाम दे खसाइल तो वाकिफ होणा इस शय नूं मिलाद आख्या जांदा है। माई होरां जो समय गल कीती धी ने बर्तन फड़िया दरवाजे बाहर निकले तो अगे वेखा सरकार हजूर गौस पाक सरकार खड़े ने फिर नीरे खड़े ही नहीं सरकार हजूर गौस पाक सरकार खलो के फिर उन्हां दी मुहाट चुमदे भी पे। जिस टाइम ये गल वेखी हैरान हो गई हट के वापस आ गई अम्मी जी मैं बड़ा अजीब वाकया वेखी हां पुत्रा की वेखी अम्मी जी मैं वेखिया कि हजूर गौस पाक सरकार साडे बूहे ते आके खलोते ने फिर साडे बूहे दी मुहाट चुमदे पे ने। मेरा पुत्र उस इत्थे किवें आ सकदे ने उन्हां दा तां उत्थे बयान सी उन्हें उत्थे जाके तकरीर करनी है तैनूं इह गलत फहमी हो सकदी अम्मी नहीं मैनूं कोई गलत फहमी नहीं होई हजूर गौस पाक सरकार ही आए ने। माई होरी आ के बाहर आके दरवाजा खोलिया हजूर गौस पाक सरकार दरवाजे ते खड़े वाट पे चुमण ते माई होरी हथ बन के खलो गए हजूर तुसां तो उत्थे तकरीर करनी सी मेरे हल किवें आ गए। हजूर गौस पाक सरकार फरमाते ने माइए तेरे को छोटा जिहा अमल नहीं होया तू जो राह च आउंदा सरकार दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती ना कि सुनिया क्या तुसी सिर्फ और सिर्फ अमीरां वास्ते आए हो साडे गरीबां दा नबी कोई नहीं। सरकार ने फिर मैनूं आप आके इरशाद फरमाया अजीजाने दी वकार मेरे हजूर गौस पाक सरकार इरशाद फरमाते ने माइए हजूर गौस पाक आए सरकार अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने माइए हुजूर मेरे सरकार बारगाह दे अंदर आके इरशाद फरमांदे ने कि मैं किधरे होर तकरीर करा या ना करा तेरे कोल पहले जाके करा किधरे होर करा या ना करा पहले तेरे कोल जाके करा अजी जाने दी कर उम्मत जे साल दे अंदर वी होवे मेरे सरकार अलैहि सलातो वसलाम अपने उम्मती दे नजर रखदे ने आला हजरत फरमांदे ने फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं के गैर बशर को खबर न हो
نہیں کہ پیر بشر کو آدھا حضر فرماندے نے کہ امتی جس حال دے اندر بھی سرکار علیہ السلام نے پکارے میرے سرکار سن دے نے سرکار میری کرم فرماندے نے میرے سرکار علیہ السلام نے مکہ تو جدو مدینہ دی طرف حجرت فرمائی نا سرکار علیہ السلام نے کافی دن لگ گئے اتھے مدینہ شریف پہنچنے سے مدینہ علیہ جدو پتہ لگا سی نا تشریف لے کے آ رہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سرکار مدینہ شریف تشریف لے کے آئے نا جناب سلمان فرماندے نے میں کھجوراں دے درخت تے چڑھیا آیا سا میرے کناں تے آواز پئی طلع البدر علینا طلع البدر علینا وائے بل دنیا اور دیگر سیرت کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب سرکار علیہ السلام و سلام تشریف لے کے آئے بچیاں چھتوں کے اوپر چڑھ گئے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر دب بجا کے سرکار کا استقبال کرتے ہوئے کہتی ہیں آ گیا سونا کملی دجھمے مار کے آ گیا تانو کونی سرکار دے ہون دی خوشی بڑا ہولی بول دے دب کے بولو سبحان اللہ آ گیا سونا کملی دچھمے مار کے جنیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی دچھمے اچیاں شان والے ویکھ دے رہ گئے میرے سرکار علیہ السلام تو سلام تشریف لے گئے آئے نہیں عرب دے مدینہ شریف دے وڈے وڈے امیراں وڈے وڈے وزیراں سرکار دی مارگا دے اندر آ کے رزق کیتی سونے ساڈے گھر تشریف لے آؤ نا سونے ساڈے وال تشریف لے آؤ نا